पर अपने पति के स्वस्थ और दीर्घायु जीवन के लिए मनाया जाने वाला व्रत वट सावित्री पूजन सोमवार को श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान व्रती महिलाओं ने पारंपरिक रीति रिवाज और विधि विधान से वट वृक्ष की पूजा अर्चना कर अपने अक्षत सुहाग की कामना। इधर वट सावित्री पूजन को लेकर अलहे सुबह ही व्रती परिवारों में उल्लास का माहौल रहा। महिलाएं स्नान ध्यान के बाद बांसा में डाला में बांस का पंखा और सावित्री सत्यवान की प्रतिमा के साथ साथ आम लीची समेत अन्य फल लेकर पारंपरिक गीत गाते हुए वट वृक्ष के समीप पहुंची तथा पूजा अर्चना के बाद सावित्री सत्यवान की कथा सुनकर अपने सुहाग के स्वस्थ और दीर्घायु जीवन के लिए कामना किया। प्रसाद का वितरण के बाद महिलाएं घर पहुंची तो वहां पति को भी पूजा की गई। लेकिन कोई भी पुरुष उनका रूप को नहीं देख सकता था, उनका शरीर को नहीं देख सकता। वही वट वृक्ष को साक्षी मानकर अपने पति के साथ फेरा लेती हैं और पूजन करती हैं। जो स्त्री वट वृक्ष का फेरा लेकर पूजन का प्राप्ति होता है और उनके पति दीर्घायु होते हैं और यम फंस से मुक्त हो जाते हैं। एक बार प्रेम से बोले वासुदेव की जय, सत्यवान और सावित्री की जय। इस लोक में बहुत ही अनंत है क्योंकि सावित्री ने सत्यवान के प्राण की रक्षा के लिए वट वृक्ष का पूजा किया था। इसीलिए इस लोक में, इस पृथ्वी में जो भी स्त्री अपने पति को दीर्घायु चाहती है वह वट वृक्ष का पूजन करे, फिरा ले, जिससे उनके पति की दीर्घायु होती है। इस संसार कलयुग रूप में, कलयुग में एक पूजा ही निधान है जिससे अपने पति अपने परिवार की रक्षा हो सके।